प्रदीप चौकी है भाई, हमारी गेल करनाल का बड़ा भाई है अपना, एक बार बात करो भाई। जोगी समाज के सारे भाइयों ने, भाई प्रदीप जोगी करनाल की राम राम। और आज का मुद्दा अपने जोगी समाज को लेके बहुत ही रोष पैदा करने वाला मुद्दा है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें नारनौंद के जेजेपी से जो विधायक हैं, जिसको हरियाणा के लोग दादा गौतम के नाम से जानते हैं, पूरा नाम राम कुमार गौतम है, जो वर्तमान में विधायक है नारनौंद से, उन्होंने जोगी समाज को लेके एक न्यूज़ चैनल पर टिप्पणी करी है, जिस टिप्पणी को लेकर हमको बहुत ज़्यादा रोष है पूरे जोगी समाज के अंदर। और हमें राजकुमार गौतम जी से उस टिप्पणी के ऊपर स्पष्टीकरण चाहिए कि उन्होंने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग क्या किया, उनका ये सब कहने की मंशा क्या थी, वो अपना स्पष्टीकरण दे। उन्होंने न्यूज़ चैनल पर जोगी समाज के लिए टिप्पणी करी है, गहरा रोष है जोगी समाज में इस चीज़ को लेके, वो अपना बिल्कुल क्लियर करे। रुक, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ उन्होंने क्या बोला था। जोगी समाज इस वीडियो को देखे, अपना विचार दे और समझे कि वो वीडियो में क्या बोल रहे हैं। जब आप वीडियो को देखेंगे तो शायद आपके अंदर भी रोष पैदा होगा। अगर राजकुमार गौतम जी ने ये किसी और मकसद से टिप्पणी करी है तो वो अपना रुख स्पष्ट करें जोगी समाज के सामने कि वो क्या कहना चाहते थे, ऐसी शब्दावली का प्रयोग क्यों किया उन्होंने। जोगी समाज के अंदर पूरा रोष है, युवा के अंदर पूरा रोष है इस टिप्पणी को लेकर। मैं आपको वो टिप्पणी दिखा रहा हूँ, टिप्पणी को देखो और भाई अपने व्यूज दो कि ये क्या बोल रहे हैं। ये राजकुमार गौतम जी का वीडियो है जो वायरल हो रहा है। आपको फलाना मंत्री बड़ा ठूकता हूँ तेरे मंत्री मंडल का। मैं आपको गटर से सो वीडियो दिखाता हूँ, लाइन पे बने रहे। दूसरा जोगी का हमारे को एमएलए बना के एक गोटी की तरह से इस्तेमाल करके। भाइयों मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो की शब्दावली को देखें आप। मुझे बुला के जी आपको फलाना मंत्री बड़ा ठूकता हूँ तेरे मंत्री मंडल का। मैं समझता हूँ कि मैं कट्टर से 100 गुना बढ़िया राज कर सकूँ, ऐसा राज कर दूँ सारा जोगी का हमारे को एमएलए बना के एक दोबारा सुनिए भाई इस वीडियो को, वो बोल रहे हैं फलाना मंत्री ऐसा राज कर दूँ सारा जोगी का। मैं इससे हमें सख्त दिक्कत है। 100 गुना बढ़िया राज कर सकूँ, ऐसा राज कर दूँ सारा जोगी का हमारे को एमएलए बना के गोटी की तरह से। मुझे बुला के योगी जी आपको फलाना मंत्री बना ठूकता हूँ तेरे मंत्री मंडल का। मैं समझता हूँ कि मैं कट्टर से 100 गुना बढ़िया राज कर सकूँ, ऐसा राज कर दूँ सारा जोगी का हमारे को एमएलए बना के एक गोटी की तरह से। तो मेरे जोगी समाज के भाइयों, ये वो टिप्पणी है जो राजकुमार गौतम जी ने जोगी समाज को लेकर करी है। वो जो कुछ भी कहना चाहते थे अपना रुख एकदम स्पष्ट करें, बहुत ही गहरा रोष है उनको सामने आना होगा, न्यूज़ चैनल पे उन्होंने बोला है ये। अब सामने आए, स्पष्टीकरण दे जोगी समाज को। अगर वो अपना स्पष्टीकरण नहीं देते, जोगी समाज एक सख्त आंदोलन की तैयारी करेगा और बिल्कुल आंदोलन करेगा, नारनौंद में जाकर आंदोलन करेगा और उनको दिखाएंगे कि जोगी समाज के अंदर कितना रोष है। वो अपना स्पष्टीकरण दे, क्या कहना चाहते थे, इस तरह से बोलने का मतलब क्या, उनका उनकी मंशा क्या है। अगर हमारे कुछ समझने में फ़र्क है तो वो अपना रुख स्पष्ट करें इसके ऊपर और बिल्कुल बताएं। लाइव आए वो न्यूज़ चैनल के ऊपर, न्यूज़ चैनल पे उन्होंने समाज को लेकर टिप्पणी करी है, वो आए अपना रुख स्पष्ट करें कि क्या है। कुछ भाइयों से पता लगा कि बोले तो भाषा का हेर फेर था, जो भी हो, जो भी भाषा का हेर फेर है, सामने आए अपना रुख स्पष्ट करें इस टिप्पणी को लेकर कि उनकी जोगी समाज के बारे में क्या राय है। तो भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप भी सवाल करो कि वो कहना क्या चाहते थे, क्या जोगी गाएंगे, क्यों गाएंगे। ठीक है अगर हम अच्छे में अच्छा काम करोगे गाएंगे, पूरा हरियाणा गाएगा, पूरी जनता गाएगी, लेकिन आपने जो टिप्पणी करी है उस पर अपना रुख स्पष्ट करें कि आप क्या कहना चाहते हो, क्यों आपने ऐसी शब्दावली का यूज़ किया। आगे राकेश भाई आपसे बात करेंगे। भाइयों सभी भाई, एक मीडिया के माध्यम से फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर, सभी भाई जुट जाओ, पूरा पूरा विरोध करो सोशल मीडिया पर भी और ट्विटर पे भी टैग करके, हर तरीके से सबका मतलब जिन्होंने ये भाषा का प्रयोग किया समाज के लिए उनका विरोध दर्ज कराएं भाई ट्विटर पे, फेसबुक पर। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हमारे जो राम कुमार गौतम जो एमएलए हैं जेजेपी से, उनके पास तक पहुँचे। और मतलब हमारा ये नहीं है कि भाई कोई भी आएगा और हमारी बिरादरी को कुछ भी कह देगा, वो दिन गए। ये जो टाइम है ये युवाओं का टाइम है समाज में,
सारे युवा एक्टिव हैं, सारों के अंदर रोष है, कोई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी आएगा और हमारे समाज को गालियां देगा। हम राम कुमार गौतम जेजेपी एमएलए से पूछना चाहते हैं कि आपने जो भाषा का प्रयोग किया है वो मंशा क्या थी, उसका स्पष्टीकरण समाज को दें। जैसे उन्होंने न्यूज़ चैनल पर हमारे समाज को गाली दी है, न्यूज़ चैनल पर ही आगे अपनी सफाई पेश करें। ठीक है जी, कई भाई कह रहे हैं भाई ये शब्दों का हेर फेर हो गया। नहीं नहीं, शब्दों का हेर फेर तो और भी बिरादरी के बारे में कह सकते थे, भाई फलाना गाँव है या डिकड़ा गाँव है, हैं ये कह सकते थे, भाई पूरा समाज गाँव है, भाई पूरा हरियाणा गाँव होगा ऐसा राज कर दूँ, ये भी तो बोल सकते थे। एक सिर्फ हमारी ही बिरादरी भाई क्यों टारगेट करी के भाई जोगी गाँव है, क्यों भाई, और दूसरी बिरादरी है उनके बारे में कह देते भाई फलानी बिरादरी गाँव होगी या डिकड़ी बिरादरी गाँव होगी। ठीक है भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दबने की जरूरत नहीं है किसी से। प्रदीप भाई हमारा जोगी योगी युवा नाथ संगठन आप लोगों के साथ है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, उनसे जाकर मिलने के लिए भी हम तैयार हैं। नंदनौर के अंदर उनसे जाकर उनकी कोठी पे मीटिंग कराएंगे, बातचीत करके टाइम लेके उनसे पूरे समाज के सामने लाइव आके उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया। एक बार फिर से वो वीडियो दिखाऊंगा भाई मैं सभी को। तो भाई आपने सभी ने सुन लिया होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, और हमारी सिर्फ एक ही मांग है दुष्यंत चौटाला जी से, डिप्टी सीएम हरियाणा और तमाम जेजेपी के जो एमएलए या विधायक जो भी हैं, कि भाई इस ऐसे बंदे को जो समाज के बारे में गलत बोल रहा है, एक जोगी समाज को लेकर ये टिप्पणी कर रहा है, इनके सब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए आपके पार्टी के जरिए कि भाई उन्होंने कार्रवाई करी है। और सभी भाई इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, सभी भाई बिल्कुल विरोध दर्ज करवाओ। ठीक है जी, धन्यवाद सभी भाइयों का। जय बाबा गोरखनाथ, जय जोगी समाज, जय जोगी समाज। भाइयों अपनी एकता का परिचय दो और स्पष्टीकरण के लिए सख्त से सख्त दबाव बनाओ, उनको स्पष्टीकरण देना ही पड़ेगा। जय जोगी समाज।